हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूखी भाजी। उसके लिए हमें 10 से 12 बॉइल्ड पोटैटोस को चॉप करके रख दिया है। हमें 5 लोगों के लिए बनानी है। हमने 10 टू 12 बॉइल्ड पोटैटोस ले लिए हैं और उसको डाइस करके रख दिया है। अब हम एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसमें हम ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे और उसको क्रैकल होने तक वेट करेंगे। देख सकते हैं कि क्रैकल हो गया है। तो अभी हम इसमें बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर देंगे। हमने बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर दिए हैं इसमें। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें नमक आपके स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए। हमने 2 से 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी हम इसके अंदर मिर्ची और अदरक ऐड करेंगे। 2 मिर्ची ली है हमने और थोड़ा सा अदरक लिया है। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची आप चाहें तो मिर्ची और जिंजर आप तेल में भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। हम लोग पीछे से ऐड करते हैं और कवर करके उसको 5 मिनट तक कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम लिड निकाल के उसमें कोरिएंडर यानी कि धनिया, हरा धनिया ऐड कर देंगे। देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है सूखी भाजी तैयार है। ये बहुत ही जल्दी और क्विक रेसिपी है, बट इसका टेस्ट बहुत ही यमी है। ज़रूर आपके घर पे आप ट्राई कीजिए आलू सूखी भाजी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।